प्रो रेसलिंग लीग के चौथे सीजन के 14वें दिन आज दिल्ली सुल्तान्स ने मुंबई महाराथी को 5 पॉइंट्स के बदले 2 पॉइंट से हरा दिया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बाउट थी वो थी विनेश फोगाट की और पिंकी की, क्योंकि एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। हालांकि विनेश फोगाट उस मुकाबले को जीत गई, लेकिन एक पूरी लीग का सबसे अच्छा मुकाबला था। हमने ब्रिजभूषण चरण जी से ही बात करी, उन्होंने बोला कि आज का ये मुकाबला देखकर वो अच्छे से सो पाएंगे, अब मतलब पूरे अच्छे से उनका सीज़न निकलेगा। क्या कहते हैं, कितना एक्सपीरियंस मिला है आज की पर्टिकुलर? देखो, पहली बात विनेश दीदी हैं वो मेरी सीनियर, और वो इंटरनेशनल काफ़ी उस पर मतलब मेरे से ज़्यादा हैं वो हर चीज़ में। तो फिर आज जैसे मैंने लड़ाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या सोच के गए थे आप जब बाउट में, क्योंकि 4 मैचेस दिल्ली सुल्तान से पहले ही जीत लिए थे, आपका बाउट डिसाइड नहीं करता कि दिल्ली हारती है या जीतती है, प्रेशर नहीं था, क्या सोच के रिंग पे? नहीं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कोचेज ने मेरे को बता दिया था, क्योंकि हमारी टीम पहले जीत चुकी थी, तो उन्होंने यही बोला था कि वो 50 kg की, आप 53 के हो, तो आपको उनसे जीतना है, या उनको ये सबको ये दिखाना है कि पिंकी भी कोई है, तो अपना अच्छा बेस्ट दिया है। जो मैंने स्ट्रेटजी थी या फिर कुछ दिमाग में चल रहा था कि इस तरीके से उनको टैकल करना है रिंग के अंदर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, यही था कि मुझे बस 6 मिनट तक लास्ट तक लड़ना उनके साथ। हार जीत का कुछ पता नहीं था मुझे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस मुझे 6 मिनट तक लड़ना था लास्ट तक उनके साथ। हमारे साथ मनोज जी भी मौजूद हैं। मनोज जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाउट थी, 14 पॉइंट्स के बदले 9 पॉइंट्स, 6 मिनट में करीब 20 से ज़्यादा पॉइंट स्कोर हो गए। क्या लग रहा है आपको कि सबसे इंटरेस्टिंग बाउट थी ये सीज़न 4 की? जी हाँ, बिल्कुल, और खासकर ये देखते हुए कि विनेश फोगट जितने भी मुकाबले भारत में भारतीय पहलवानों से लड़ती हैं सब वन साइडेड होते हैं, एक तरफा होते हैं, यहाँ तक कि आप उनके वर्चस्व का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो नेशनल चैंपियनशिप थी गोंडा में जो हुई थी 2018 में, वो 57 किलोग्राम में लड़ी थी, जबकि वो 50 किलो की पहलवान है, 53 में कभी कभार लड़ती हैं और 55 में भी लड़ी हैं, लेकिन 57 में भी वो नेशनल चैंपियन बनी हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका। और इतना ही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो चाहे ओलंपिक में, जिस तरह से वो सुंजनान के खिलाफ जो हारी थी और उसके बाद उन्होंने सुंजनान को एशियाई खेलों में हराया भी, प्रो रेसलिंग लीग के अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए, काबिले तारीफ प्रदर्शन था उनका। और उनके सामने जब पिंकी को उतरते हुए देखा और पिंकी ने जो विजय रथ पर सवार थी, लगातार मुकाबले जीत रही थी, 4 मुकाबले उन्होंने जीते थे और वर्ल्ड चैंपियन को हराया था, और उसका एक मनोबल उनके साथ था, मनोबल इनका बहुत ऊंचा था। तो यहाँ जब ये मुकाबला हुआ तो 2 मौक़ों पर तो ऐसा लगा था कि विनेश कहीं बाई फॉल का शिकार ना हो जाएं और एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, और किसी तरीके से इतना मतलब उनको जूझते हुए मैंने हिंदुस्तान में तो कम से कम उसे पहली बार देखा है। अब क्या स्थिति बन रही है अगर पूछा जाए, पॉइंट्स टेबल की बात की जाए, लीग के आखिरी स्टेज पर है, लगभग दिल्ली सुल्तान से भी आज अपने जीतकर कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स की होप्स उनकी जो अभी भी है जिंदा है, क्या आपको लग रहा है कौन सी टीम अब, क्योंकि हरियाणा और पंजाब 2 टीम्स अभी तक सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है, अगली 2 टीम्स कौन देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी और एमपी, सबके 4-4 अंक हो गए हैं, लेकिन यूपी ने अभी एक मैच कम खेला है। अगर यूपी दंगल कल का मुकाबला जीत जाती है पंजाब से तो यूपी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो हरियाणा, पंजाब और यूपी दंगल 3 सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, लेकिन क्योंकि आज मुकाबला 4-3 का नहीं रहा, 5-2 का रहा है, और जब स्कोर बराबर होता है टीमों का और टाई होता है तो उस वक्त देखा जाता है कि नंबर ऑफ बाउट्स किसने ज़्यादा जीती हैं, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर दिल्ली को उसका अतिरिक्त लाभ मिला है, और 5-2 की जीत बहुत बड़ी जीत है, और उसने अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को बिल्कुल पीछे कर दिया है। एमपी की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है क्योंकि उसने नंबर ऑफ बाउट्स उसकी कम है, कम जीती हैं, तो इस तरह से दिल्ली का तो सेमीफाइनल में पहुँचना करीब करीब तय है। कुछ नहीं कह सकते हैं आखिरी स्टेज पर, क्योंकि 4 टीम्स आप बोल रहे हैं कि इक्वल पॉइंट्स पर हैं, अब कोई भी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती है। ये थे मनोज जोशी जी और पिंकी जिन्होंने आज के मैच के बाद हमें एनालिसिस किया, और अब देखना होगा कि कौन सी टीम, 4 वो टीम्स होंगी जो सेमीफाइनल में अपनी जगह कन्फर्म करती है। इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के लिए ऐश्वर्य जैन।